ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। अमावस्या के दिन विशेष रूप से पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी शांति के लिए पूजा की जाती है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अमावस्या का दिन पितरों को बहुत अधिक प्रिय होता है और इस दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि देवों से पहले पितरों को प्रसन्न करना चाहिए और पितरों की शांति के लिए अमावस्या के दिन व्रत और पूजा की जानी चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है, ऐसे में उन्हें पितरों की शांति के लिए, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए अमावस्या के दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और साथ ही कुछ विशेष उपाय भी अमावस्या के दिन करने से पितरों को शांति मिलती है। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में जो भी कलह क्लेश होता है दोस्तों, वो सब शांत हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अमावस्या की पूजा कब की जानी चाहिए, किन लोगों को अमावस्या की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए और अमावस्या की पूजा करने से कौन से लाभ होते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें अमावस्या के दिन भूले से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि किन लोगों को अमावस्या की पूजा और व्रत करना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है या संतानहीनता के योग बन रहे हो या फिर नवम भाव में राहु नीच अगर स्थिति में है, तो ऐसे में इन लोगों को अमावस्या के दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। कोई भी गलती आज के दिन आपसे पूजा में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती जाने अनजाने में आपसे होती है तो ऐसे में आपको पूजा करते समय क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए, नहीं तो आपको इसका बुरा परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। अमावस्या के दिन पितृदोष की शांति के लिए जो लोग व्रत करने वाले हैं, ऐसे में उन लोगों का मन पूरा दिन शांत और निर्मल रहना है। गलती से भी आपके मन में दूसरों के प्रति ना तो ईर्ष्या का भाव आना चाहिए, ना ही जलन का भाव। किसी दूसरे के बारे में कुछ भी गलत, कुछ भी बुरा आज के दिन अगर आप सोचते हैं तो ऐसा करने से उसका उल्टा फल आपको मिल सकता है। अमावस्या के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह से गलती से भी कोई भी अपशब्द या कुछ भी बुरा भला किसी दूसरे के लिए या अपने परिवार जनों के लिए ना निकले, इसके लिए अगर आपके लिए संभव है तो आज के दिन आपको मौन रहकर इस व्रत को करना चाहिए। अगर आप मौन रहकर व्रत करेंगे तो आपको आपके व्रत का विशेष फल मिलता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अमावस्या की पूजा करने से कौन से लाभ होते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि इस दिन जो भी श्रद्धा भाव से, पूरे भक्ति भाव से अमावस्या की पूजा करता है और व्रत रखता है, ऐसा करने से केवल पितृ ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, विश्वदेव, ऋषि, पशु पक्षी और सरीसृप आदि ये सभी प्राणी भी तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। और महाभारत काल से ही अमावस्या के दिन तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंडदान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा करने से भी पितृदोष शांत होते हैं और इन सभी की कृपा आपको मिलती है। दोस्तों, अमावस्या हर महीने में आती है और जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इसी तरह से जब मंगलवार के दिन अमावस्या होती है तो उसे भौमवती अमावस्या के नाम से या भौम अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या कहलाते हैं और यह अमावस्या बहुत ही शुभ मानी जाती है। उन लोगों को इस दिन विशेष रूप से पूजा करनी है जिन्हें शनिदेव की कृपा पानी है। दोस्तों, बात आती है कि अमावस्या की पूजा करने से कौन सा लाभ होता है, कौन सा फल आपको अमावस्या की पूजा करने से या व्रत करने से मिल सकता है। तो इसके लिए जो भी व्यक्ति अमावस्या का व्रत
पूरे विधि विधान से करता है, कोई भी गलती व्रत करते समय या पूजा करते समय नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही उस व्यक्ति का जीवन चंद्रमा की तरह से सुशोभित हो जाता है। यानी कि उसके जीवन में जो भी अपयश है या फिर जो भी परेशानियां हैं वो सभी दूर हो जाती हैं और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के सुख प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति पितरों की शांति के लिए पिंडदान करता है और पितृ तर्पण करता है, पितरों के नाम से दान करता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करता है और उसके जीवन में हमेशा अच्छी संतान प्राप्ति का भी योग बना रहता है। ऐसे लोगों को अपनी संतान से कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन पूजा करते समय आपको पूजा की सही विधि के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपसे जाने अनजाने में कोई भी गलती पूजा करते समय ना हो और आपको अपनी की गई पूजा का विशेष फल जरूर प्राप्त हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और इस दिन अगर आपके लिए संभव हो तो गंगा जी में या फिर किसी भी पवित्र नदी में जाकर आप स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा करना भी आपके लिए संभव नहीं है तो आज के दिन आपको विशेष रूप से अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को भी जल जरूर अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको एक तांबे के लोटे में कच्चा दूध मिलाकर जल रखना है और उसके साथ ही थोड़े से मिश्री के दाने और थोड़े से फूल उसमें डालकर आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना है। ऐसा करने से आपको सूर्य देवता की भी कृपा मिलती है। दोस्तों, माना जाता है कि सूर्य देवता को हर रोज ही स्नान करने के बाद जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन अमावस्या के दिन विशेष रूप से आपको सूर्य देवता की कृपा प्राप्त होती है और कहा जाता है कि इस दिन जल अर्पित करने से आपको आपकी गरीबी से भी मुक्ति मिल सकती है। अब जिन लोगों की राशि में चंद्रमा कमजोर है, ऐसे लोगों को आज के दिन गाय को दही और चावल खिलाने से उन्हें मानसिक सुकून तो प्राप्त होगा ही, साथ ही उनका चंद्रमा भी मजबूत होगा। और जब चंद्रमा मजबूत होता है दोस्तों, तो जो भी मानसिक तनाव है, जो भी मानसिक परेशानियां हैं, वो सभी दूर होती हैं। अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद आपको दान भी जरूर करना है। वैसे तो दोस्तों आपको हर व्रत के दिन दान जरूर करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से अमावस्या के दिन दान करने से आपको आपके द्वारा दिए गए दान का 1000 गुना फल मिलता है। आज के दिन जब भी आप दान करें, आपको अपने पूर्वजों को या जो लोग अब आपके साथ आपके जीवन में नहीं हैं, जो लोग स्वर्ग सिधार गए हैं, ऐसे लोगों को याद करते हुए और उनके नाम से दान देने से भी आपको बहुत कृपा मिलती है। आपके जीवन में कभी भी कोई दुख, कोई परेशानी आपको परेशान नहीं करती है। इसके साथ ही दोस्तों, अमावस्या के दिन गुप्त दान करने से आपके जीवन में जो चमत्कार हो सकता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपके लिए संभव है तो आज के दिन आप गुप्त दान भी जरूर करें। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जीवन में कोई समस्या लगातार बनी रहती है या फिर एक के बाद एक नई समस्याएं आपके जीवन में आती रहती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान हो जाता है, कई बार बहुत निराश हो जाता है, मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। ऐसे में इन सभी बातों से बचने के लिए आपको अमावस्या के दिन विशेष रूप से पूजा और व्रत करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि अमावस्या के दिन आप फलाहार ही करें, लेकिन अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो ऐसे में आप नमक का प्रयोग, जो कि सेंधा नमक का है, कर सकते हैं, लेकिन तामसिक भोजन यानी कि लहसुन प्याज का प्रयोग आज के दिन आप अपना व्रत खोलते समय बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशान होता है तो अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ही वो कोई पूजा, व्रत या कोई उपाय करता है और चाहता है कि उसके द्वारा की गई पूजा का या फिर उपाय का जल्दी फल उसको प्राप्त हो जाए। ऐसे में अक्सर लोग अपने व्रत में या पूजा में एक गलती अक्सर कर जाते हैं और वो गलती होती है ये कि जब भी आप व्रत रखते हैं तो उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद में आपको तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ ही जब भी आप व्रत करते हैं
उस दिन सारा दिन आपका मन एकदम स्वच्छ, एकदम निर्मल होना है। किसी भी तरह का कोई भी बुरा विचार अगर गलती से भी आपके मन में आता है तो ऐसे में आपकी मनोकामना कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप व्रत का संकल्प लेते हैं तब से लेकर और व्रत के पारण तक आपका मन शांत और स्वच्छ होना चाहिए। किसी के प्रति कुछ भी बुरा ना सोचना है और ना ही करना है। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको आपकी की गई पूजा का और व्रत का फल मिल सकता है। दोस्तों, यह थी जानकारी अमावस्या के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी।